हिस्ट्री में ग्रेट मैन थ्योरी कहती है कि हिस्ट्री का रुख कुछ स्पेशल लोग ही बदलते हैं। Why do you agree कि he's the last of the star वैसे? भाई इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद अगर 2 नवंबर को उतनी भीड़ बर्थडे विश करने के लिए घर के बाहर आ रही है, कुछ तो किया है तुमने। बच्चों के हमेशा कोई ना कोई ख्वाब होते हैं कि हम बड़े होके ये बनेंगे, इंजन ड्राइवर बनेंगे या कुछ और। आपके क्या होते थे, आप क्या बनना चाहते थे बचपन में? मैं कमाल करना चाहता था। Please welcome Shah Rukh Khan. How long do you want to be the hero of the world? I calculated till about 106 years. What is that one thing Bollywood don't have and one thing that Hollywood don't have? Hollywood doesn't have Shah Rukh Khan. Shah Rukh ka sabse bada competitor kaun hai? I don't have any competition. I've not come here to compete. I've come here to rule. Shah Rukh Khan ke samne koi nahi hai. I'm the last of the stars. But eventually, har individual ka influence kam hone lagta hai. What went wrong with Shah Rukh Khan? Despite the oodles of talent and money on display, Happy New Year is frantic, noisy, gaudy, and largely joyless. फैन पिक्चर टोटल डिसअपॉइंटमेंट। पहली बार शाहरुख खान का बकवास पिक्चर देखा हूँ। तड़ेली पिक्चर है। I could only ask, ये सब क्या हो रहा है? फिल्म में कुछ लॉजिक ही नहीं था कुछ। With the actor turning 54 this year, the window to justifiably milk that genre has come to an end. वो कोशिश जरूर कर रहे थे पर उनकी फिल्म्स काम नहीं कर रही थी। So if I was to explain myself, I think I would explain myself that there's an actor somewhere in India who has tried and is still trying very hard. पर्सनल जिंदगी में भी उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। जमानत की हर कोशिश अब तक नाकाम हुई है। एक आम पिता की तरह वो भी जल्द ही अपने बेटे की घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए शाहरुख खान का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, क्या शाहरुख ने थूका है? पर मानो शाहरुख खान के अलग प्लान्स थे। हैप्पीज एंडिंग, और अगर ठीक ना हो तो होती एंड नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये कहानी है हाउ आई फेल इन लव विद शाहरुख खान, इसके बावजूद कि मुझे उनकी मूवीज इतनी नहीं पसंद। जब भी आप किसी सक्सेसफुल पर्सन की कहानी सुनोगे ना, आपको एक शब्द जरूर मिलेगा, टैलेंट। ये स्टोरी होगी कि कैसे एक बहुत छोटी उम्र में उस व्यक्ति को अपना करियर मिला। उनके पेरेंट्स या फिर कोच बहुत सरप्राइज हो गए ये जानकर कि उनके पास एक गॉड लाइक टैलेंट था, जिसका मतलब था कि सक्सेस तो ऑलमोस्ट गारंटीड थी। आई पर्सनली बिलीव कि मैं एक्टिंग करता हूँ और मैं टीवी पे करूँ। भैया एक से काम नहीं चलने वाला, दो के लिए कहना पड़ेगा, वरना मेरा क्या होगा? फिल्म्स में करूँ, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सड़कों पे करूँ, स्टेज पर करूं। Yeah, I love acting and I enjoy. Good 100 years of cinema. Yeah, I love acting and I enjoy. पर ऐसी स्टोरीज मुझे डिप्रेसिंग लगती है, क्योंकि कई बार हमें ये सीख मिलती है इनसे कि अगर आपके पास कोई क्रेजी टैलेंट नहीं है तो सक्सेस मिलना मानो इम्पॉसिबल है। शाहरुख खान की कहानी कोई गॉड लाइक टैलेंट की नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिससे मैं रिलेट कर सकता हूँ। आप बचपन से दिल्ली में ही रहे? जी हाँ, दिल्ली में ही 65 तलवार नर्सिंग होम पूसा रोड, फिर उसके बाद मेरी स्कूलिंग सेंट कोलंबस में, 12th के बाद हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स, उसके बाद मैथ्स कम्युनिकेशन मैंने इसलिए कि मैं एड फिल्म्स बनाना चाहता था। मेरे को लगा ऐसा ये ठीक है यार, क्योंकि ना मुझे लगता था मैं देखने में ठीक हूँ, ना मुझे लगता था मुझे एक्टिंग आती। So what motivated you to be an actor? इश्क हो गया है मुझे। एक्चुअली मैं बनना ही नहीं चाहता था एक्टर, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। A
अच्छा स्पोर्ट्स के बारे में क्या ख्याल है? स्पोर्ट्स वाइज आई वाज ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन। Though the match is over, you can see Shahrukh Khan out there with the ball in his hand. मेरे साथ एक्चुअली एक ट्रेजेडी हो गई थी। मैं अंबेडकर स्टेडियम में खेल रहा था तो मैंने वो एक पेनल्टी शूटआउट में किक मारा तो मेरा राइट साइड का पूरा मसल टेयर हो गया। माय स्पोर्ट्स करियर केम टू एन एंड। आई कुड नॉट प्ले आफ्टर दैट। So I had time on my hand and that's why I turned कि अभी क्या करूँ मैं थिएटर में मैंने थोड़ा काम वाम किया था मैं कुछ नहीं कर सकता तो जैसे सब कहते हैं मैंने कहा मैं एक्टर बन जाता हूँ। I wasn't 6 feet tall, I wasn't very good looking, I wasn't dressed too well, I didn't have the style of a film star, I didn't suck up to anybody. 90s में जब मैं छोटा था मैं बस एक ही स्टार को जानता था शाहरुख खान। अब क्योंकि मैं बड़ा हो गया और मेरी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी लाइफ में मैं शाहरुख खान द स्टार में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ बल्कि शाहरुख खान द पर्सन में ज्यादा हूँ। नो शाहरुख, यू स्टार्टेड बाय सेइंग वी आर ओनली वी आर नॉट बिजनेसमैन वी आर कंटेंट क्रिएटर्स। यू हैव मेंशनड प्रॉफिट 3 times इन द लास्ट 5 minutes। मैं बताऊं गुर्बत में क्रिएटिविटी नहीं होती। हम में से कई लोगों के भी ऐसे ही व्यूज है। मैं सबको बोलता हूँ फर्स्ट गेट रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ बट It makes life one hell of an easier place to be in if you have a lot of money. Recently, मैंने कई subscribers से बात करी और सबसे common question है कि मैं एक student हूँ और अपने parents पर depend नहीं होना चाहता financially या फिर मैं एक working professional हूँ और अपनी income को supplement करना चाहता हूँ। और ज़िंदगी अगर materially आराम से हो तो फिर बाकी चीज़ें करने का वक्त भी मिलता है और मज़ा भी आता है लेकिन material से इतना मत join up हो जाओ कि ज़िंदगी में और चीज़ें ना करो। So, earn. But don't live for only earning, but do earn so you have a good life. उनकी स्टोरी हमारे लिए इंस्पिरेशनल है क्योंकि वो रिलेटेबल है। मतलब आपकी एंट्री बिल्कुल आसान। हाँ, I have no romantic stories to talk about my struggle in Bombay. No, as far as no sleeping on park benches. No, they gave me nice houses and to sleep in. They looked after me. They pampered me. You know, when I write a book, I'll romanticize my struggle, but there was no struggle. That I spent days on the roads of Mumbai before somebody cast me. I ate cockroaches. Then I got a break and everybody was rude to me and nobody liked me. I didn't have a story like that. उनकी स्टोरी डिटर्मिनेशन के बारे में जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे देश में अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है तो पैसा कमाना आसान है पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग गिव अप ही कर ले। एक सबसे इफेक्टिव तरीका पैसा कमाने के लिए अपने स्किल को मोनेटाइज करना फ्रीलांसर बनके। और इसलिए मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए। नया साल आ रहा है तो अपने आप में प्लीज इन्वेस्ट करो। अगर आपको ये नहीं पता कि आप कौन सा स्किल चूज करो तो उसके बारे में एक मॉड्यूल है। अगर आपको स्किल पता है पर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे तो मैंने एक डिटेल मॉड्यूल बनाई है एक अच्छा कोल्ड ईमेल लिखने के लिए अपने क्लाइंट को। अब आप कहोगे कि कोल्ड ईमेल तो चैट जीपीटी भी लिख सकता है पर अगर आपने प्रोफेशनली यूज किया है आपको पता है कि चैट जीपीटी की क्वालिटी एवरेज होती है। एक अच्छे कोल्ड ईमेल के लिए पर्सनलाइजेशन और रिसर्च चाहिए होती है जिसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी है। मैंने कई सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स से बात करी और उन्होंने कहा कि कई फ्रीलांसर्स गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो बहुत अकेला फील करते हैं पर ऐसी कई चीजें मैंने कोर्स में बताई है ताकि आप वो गलती मत करो जो वो कर चुके हैं। और क्योंकि नया साल आ रहा है तो पहले 200 लोगों के लिए 40% डिस्काउंट है अगर आप NY40 का कूपन कोड यूज करोगे तो। अपने आप में इन्वेस्ट करो। सी यू एट द कोर्स। शाहरुख खान को शोहरत काफी आसानी से मिली। बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू मिस्टर शाहरुख खान। जहां अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार भी कई साल फिल्मी दुनिया के धक्के खाने के बाद ही कामयाब हुए शाहरुख 5 सालों में ही बहुत कामयाबी हासिल कर सके हैं। अब शाहरुख खान का फायदा हुआ कि जब उनकी एंट्री हुई बॉलीवुड में तो बॉलीवुड रिकवर कर रहा था जिसको कई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स कहते हैं डार्क पीरियड ऑफ बॉलीवुड वो है 1980s। और अब बॉलीवुड में एक वैक्यूम थी जिसको फिल किया शाहरुख खान ने। मुझको मेरा प्यारा दे दे। Why did you try and do something so unconventional? I'm from theater, so I have done roles where I've played an 80-year-old man, I've played an Italian, I've played a gay, you know, stuff like that. So I've done varied roles. ये वो भी समय था जब इंडिया एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रहा था। We have to accept the need for restructuring and reform. If we are to avoid an increasing marginalization of India in the evolving world economy. Liberalization की वजह से इंडिया दूसरे देशों के साथ कनेक्टेड हो रहा था और इसी थीम को यूज किया शाहरुख खान ने एक NRI के कैरेक्टर का रोल निभाकर अपनी कई मूवीज में जो अपने करियर एम्बिशन में चाहे एस्पिरेशनल हो पर अपनी वैल्यूज में इंडियन था। ओ जिंदा रे पुत्र। पंजाब में ऐसे ही मारते हैं और ऐसे ही प्यार जताते हैं। दो या तीन रीजन तो बनाए होंगे दिमाग में कि इसकी वजह से शाहरुख खान बना। ऐसे क्या लगता है शाहरुख खान होने का रीजन क्या? मेरे को लगता है द वे ही
has been perceived in Indian households, that's what made him Shahrukh Khan. उन्होंने इतनी ऐसी फिल्में करी और माँ को लगता था साला मेरा बेटा ऐसा हो, और बीवी को लगता मेरा हस्बैंड ऐसा हो, मेरे को आप में रब दिखता है, और बहन को लगता मेरा भाई ऐसा हो, और दोस्त को लगता यार मेरा दोस्त ऐसा हो। अब ऐसा नहीं था कि उनकी डोमिनेंस को कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। मूवी रियली नाइस, इट्स वेरी गुड। आपके सामने बोर्ड है, हाउसफुल जा रहा है। इट्स अ फैंटास्टिक मूवी, फैंटास्टिक मूवी। कांग्रेचुलेशंस, मुबारक, बधाई। यू हैव मेड द ग्रेटेस्ट हिट ऑफ द ईयर ऑफ दिस मिलेनियम। डिड यू एवर इमेजिन इट टू बी सच अ सक्सेस? कहो ना प्यार है। आई न्यू इट वुड बी अप्रिशिएटेड बट नॉट टू दिस एक्सटेंट। पर ऋतिक रोशन और दूसरे एक्टर्स के राइज की वजह से शाहरुख खान का स्टारडम कम नहीं हुआ। तुम इतने पतले कैसे हो गए? And the award goes to Shahrukh Khan. Stardom milne ki wajah se unhone apni asliyat nahi chupai. You said somewhere that your confidence is a front, is a pose. What's behind it, Shahrukh? Behind it, I'm very shy. Jaise recently apne ek dusre video mein maine bataya tha कि कैसे बचपन में मैं मानता था कि मेरी इंट्रोवर्जन एक कमजोरी है, क्योंकि मैं दूसरे लोगों से इतना बात करना पसंद नहीं करता, इस वजह से मैं कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाऊंगा। दो चीजों ने ये चेंज किया, इस किताब को पढ़ना और शाहरुख खान जैसे रोल मॉडल्स के बारे में सुनना। I don't like to hang around with too many people. I like to move around alone. People who he doesn't know, then he's like quietly sitting in one corner and his head is down, and you know, and people feel that, you know, he's strange. He's an actor, he should be able to talk to everybody, and you know how people feel that, you know, he can act on stage and screen and everything. Why, how can he be shy? People don't understand that. Aur aap romance ke badshah hain. Mujhe aisa lagta hai jo shy hote hain wahi romantic hote hain. Introversion ke alawa Shahrukh Khan ne masculinity ka ek dusra pehlu diya. And there are times when I sort of want to cry and I just want to do it alone, and I do it. When my wife leaves town and goes, then I pick up my dog and hold his paw and go to sleep. I tell everybody, like a lot of guys say, deep down inside I'm very macho. I think deep down inside I'm very girly. And if by being an actor I can become a little woman, I think it's my gain. Was there someone around you, whether it was a man or a woman or any other gender, that made you feel a little bit more comfortable in who you are or your body? I think the first person that made me feel that I was okay was Shahrukh Khan. Oh, wow. He was born and brought up in a very progressive environment. He'd come from theater. He had worked with all kinds of people. I remember Shahrukh Khan was the first kind of like a man that didn't make me feel lesser for some reason. और इसी वजह से शायद वो महिलाओं के बारे में बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। Have women played a very important role in your life, do you think? I don't spend time in the company of men. I'm sorry, gentlemen, but हाँ, सच तो यह है कि एक तरह से मैं औरतों के बीच में ही पला बड़ा हूँ। मेरी माँ की तीन बहनें थीं और मेरे ख्याल से अपने परिवार में मैं ही इकलौता लड़का था, तो सभी औरतें मुझे बहुत प्यार करती थीं। जब मैं अपनी बीवी से मिला, शाहरुख खान के इन व्यूज से मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ। I think when you are in love or you're loving someone, you know, it's just being able to, as simple as making each other smile a little and laugh with each other. Na wo un par WhatsApp jaise wife jokes crack karte hain, na wo unko disrespect karte hain. And we've known each other for years, and sometimes when you know each other for very many years, a sense of appreciation for each other's work starts diminishing because you take it for granted. I've been doing what I do for a long time, and Gauri has played her part in the best way possible. You enjoy what you do. Correct. And then it finally takes you to a place where you're tapped on your shoulder and you know, your husband says, well done. It's a nice feeling. Tujhe dekha to ye jana sanam. And when you do that, there were some institutions like who took offense to it that I'm marrying a girl who's from a different religion. You had protests outside the house? And yes, we had protesters outside the house. The lesson in all this was that one respects religion, but it should not come in way of love. मैं talent से ज़्यादा hard work पर ज़्यादा अहमियत देता हूँ, और रब ने बना दी जोड़ी पर नहीं, बल्कि विश्वास करता हूँ कि प्यार में भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। Marriage is easy, to sustain it is difficult. You know, to have kids is easy. Takes a little bit of work in the evening, and then 9 months
हमेशा सबने सुपरस्टार को देखा है, लेकिन एक अंदर का शाहरुख खान कैसा है, एक आम इंसान? वेरी बिजी, आई डू नॉर्मली वन शिफ्ट अ डे, तो एंड संडेज आर ऑफ, तो 9 to 9 होता है, कभी 2 to 10 होता है, सो आई हैव इनफ टाइम ऑन हैंड, एंड इन संडेज को मैं काम नहीं करता। तो वो 8 घंटे की होती है, तो बाकी जो 16 घंटे रह जाते हैं वो मेरी बीवी के साथ होते हैं। इट्स जस्ट लाइक एनी नॉर्मल ह्यूमन बींग स्पेंडिंग टाइम विद हिज फैमिली, इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि फिल्म स्टार कितना डिवोट करता है, जिसको डिवोट करना होता है वो करता ही है। अब मैं जानता हूँ कि कुछ लोग प्रियंका चोपड़ा को मेंशन करेंगे। You know, a lot of fans, a lot of us have genuinely thought that Shahrukh Khan has never been linked with anybody, and you know, he's this very clean actor who's never, never been linked, which is a great thing. But a lot of us were really hurt when the whole Priyanka Chopra rumor erupted and all of that. How did you take it personally? What do you have to say to people about that whole issue? पर इनफॉरमेशन कलेक्ट करते हुए बहुत मुश्किल हो गया था कि सच क्या है और झूठ क्या है, पर मैंने इस चीज का जिक्र नहीं किया। अब ये भी बात है कि हर कैरेक्टर जो उन्होंने निभाया वो कोई प्रोग्रेसिव नहीं था। कैसी लग रही हूं मैं? बिल्कुल टीना जैसी ना? स्टॉप इट प्लीज, तुम कुछ भी मत करना, अब जो करना है मैं करूंगा, बस जैसा मैं कहूं वैसा करना। मेरे पास प्लान, 6 दिन लड़की इन, सिर्फ 6 दिन। अब उनके लिए मानो हर चीज परफेक्ट थी। आई रिमेम्बर इंटरव्यूइंग माइकल लिंटन, द सीईओ ऑफ सोनी, मे बी अ ईयर लेटर, एंड आई सेड टू हिम, आई सेड, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, एंड ही सेड, वी लर्न दैट यू डोंट गो अप अगेंस्ट शाहरुख खान नो मैटर हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज। पर फिर कुछ बदल गया, मैं उनकी मूवीज का फैन नहीं रहा। शाहरुख खान वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स विद अ मेडिकल बैकग्राउंड दैट हैज बीन मेड इन दिस फिल्म ऑफ कोना बाय एमबीबीएस, बट प्लान विद यू और आई गॉट प्लान विद यू टेक ऑफ। I think that हर किसी की फिल्म जो होती है उसकी किस्मत की होती है। The role that you have regretted passing on. The fourth idiot. Okay. I would have been if I'd done 3 idiots. Yeah. इन मूवीज की बजाय उन्होंने डिफरेंट मूवीज करी। चेन्नई एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, पर मुझे इतनी पसंद नहीं आई उसके ओवर द टॉप नेचर की वजह से। सपना देखती तो किक मारती। अरे तेरे पापा का स्कूटर हो जो किक मारती है, तू डॉन की लड़की नहीं, डोंकी की लड़की है, डोंकी की। फिर थी जब हैरी मेट सेजल, जहाँ उनके कैरेक्टर से मैं रिलेट नहीं कर पाया। लड़कियों के मामले में कैरेक्टर सही नहीं है मेरा, मतलब मैं लड़कियों को गंदी नजर से देखता हूँ मैम। और बहुत मुश्किल भी हो रहा था कि एक एजिंग सुपरस्टार उन लड़कियों के साथ रोमांस कर रहा है जो उनसे 20-30 साल छोटी हैं। You just come down this snow-clad mountain in a nice sweater and sing to a girl and say you love her and it works wonders. And I'm nearly 40 and it still works wonders. But as an actor, yes, it does become very disturbing. I mean, I don't say it normally, but I'm saying it now. It gets a little disturbing. I'd like to feel that nervousness. I like to be in uncharted territory, like I was when I started off. It's a little worrisome at times as an actor. As a star, it's fantastic. Dear Zindagi मुझे बहुत अच्छी जरूर लगी, पर ये एक long term strategy नहीं थी उनके लिए, क्योंकि ऐसी movies ना उनके stardom के लिए काम करती और ना fandom के लिए। जो आदमी star हो जाते हैं ना, उसके fans हो जाते हैं। Fan word कहाँ से आता है? Fanatic से आता है। So fans जो है ना अपने star को ऐसे देखते हैं, फैन क्लब्स हैं जो लड़ते रहते हैं आपस में। हाँ, एक इनविजिबल सब वॉर चल रहा है नॉन स्टॉप सारे फैन क्लब्स के बीच में, करेक्ट? तो अगर आप उस फैन क्लब को केटर नहीं कर रहे हो ना, तो स्टार के साथ फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल काम है। राम गोपाल वर्मा केम टू मी द अदर डे एंड ही सेड फॉर अ ईयर आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट वर्क विद यू बिकॉज़ योर स्टारडम इज टू बिग टू you know make you into a character and it's awful for a director who takes you on. The problem is that Imtiaz is unable to mold the larger than life romantic persona of Shahrukh into his own more bruised brand of romance. I know Jawan aur Pathaan bahut successful thi, 1,000 crore se zyada paise kamaye, par mujhe dono hi movies pasand nahi hai. Ab mujhe ye zarur acha laga ki Shahrukh Khan ne kai political muddon ke bare mein baat kari जो बहुत courageous है, पर ये मूवीज कुछ ज्यादा ही मासी थी मेरे टेस्ट के लिए। अब इन मूवीज को तो मैं झेल लेता, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि शाहरुख खान को क्या मजबूरी पड़ी ऐसे एड्स बनाने के लिए। ओए, नीचे आ। अब ये कोई पहली बार नहीं कि शाहरुख खान ने कोई कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट को प्रमोट किया है। ओ पहलवान,
लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम लगा रहा है, कल नेल पॉलिश लगाएगा, परसों लिपस्टिक, लंगोट उतार, लहंगा लपेट। स्मोकिंग के लिए कम से कम वो सेल्फ अवेयर तो थे। यू लॉन्च एन एंटी कैंसर प्रोडक्ट फॉर बायोकॉन, डोंट यू थिंक इट इज आयरोनिक कंसीडरिंग यू आर अ चेन स्मोकर? या इट इज आयरोनिक एंड आई थिंक इट इज यू नो बट जस्ट बिकॉज इट इज आयरोनिक इट्स नॉट दैट। सी आई डोंट टेक पोलियो इंजेक्शंस एनीमोर बट आई डू टेल पीपल टू टेक पोलियो इंजेक्शंस। यस इट इज आई हैव ऑलवेज सेड इट एंड आई विल से इट अगेन एंड अगेन। I am trying to quit smoking and smoking is not good for health and it's something I should do inshallah as soon as I can do. So mera perception zarur unke bare mein gir raha tha par ek cheez ne zarur is cheez ko badla. I'm sure you're going to spoil your son. No, not at all. I've just told him that you know he can when he's 3 or 4 years old he can run after girls and he can smoke as much as he wants. He can do drugs, he can have sex, he can womanize. When he's 3? When he's 2, I think. Yeah, because you know, it's nicer to start early and you know, he should enjoy everything. he should have fun. He should do everything I've not done. आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है ड्रग्स केस से बड़ी खबर। You can do drugs. That did not age well. हर न्यूज चैनल इस चीज को कवर कर रहा था। किसी को जज करने के लिए कहा जाता है कि आप देखो कि वो एक बहुत बुरी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला सकते थे और कई चीजें कर सकते थे जो एक डेस्परेट फादर करते अपने बच्चे के लिए। लीक्ड व्हाट्सएप चैट्स में भी उन्होंने समीर वांकटे के साथ बहुत अच्छी तरह बर्ताव किया। आसान नहीं है कि जब लोग लगातार आपकी पेट्रियोटिज्म को क्वेश्चन करते हैं तो आप ह्यूमैनिटी और डिग्निटी के साथ उसका हर बार जवाब दो। मेरा बहुत दिल था कि मैं अपने देश को किसी तरह से रिप्रेजेंट करूँ, हॉकी के अंदर या क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर। मेरा बहुत शौक था कि मैं इंडियन टीम के लिए खेलूँ। It is sad for anyone to have to say that, Anuradha. I'm not going to sit down and tell people every time that I'm patriotic. I am who I am, and I'm an Indian. And with great pride and with great flamboyance, nobody can take that away from me. And I will not give proof of this because of some stupid people. I never will, I never have, I never need to. You know, Chal, you don't have to say anything wrong for things to go wrong. Yeah, I'm born this way. How does this work where you wake up one morning and you put on the TV and you see that some politician somewhere has said something and you are now the news of the day? Is cheese ke liye unhone apni Muslim identity ko bhi daba kar nahi rakha. Okay, you can eat different foods. Ah, bade ke dam pani puri, wow, very nice. And not have an issue. You can learn different languages. Jawan logon ke liye mainu lagta hai thoda ja message bhi aayega. And why is it if I was to learn about Christianity, if I was to learn about Hinduism, I have grown up like that. You know, I was in a Catholic school, St. Columba, I'm very proud of it. I've learned my Hinduism from doing Ram Leelas of Chhabra Sahib in Delhi, which was wonderful. And I've learned Islam from my family. And that is why I think I've been able to appreciate all the religions. So, मैं एक ऐसी स्टेज में हूँ जहाँ मुझे उनकी मूवीज नहीं पसंद, पर जो वो आदमी है वो जरूर मुझे पसंद है। Ignoring Pan Parag ads. और इसमें सैडनेस भी है क्योंकि मैं उनका फैन बना उनके इंटरव्यूज की वजह से, पर एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा शायद वापस ना हो। आर्यन खान इंसिडेंट के बाद आई डोंट थिंक वो ज्यादा इंटरव्यूज देने वाले। आई जस्ट नो दैट इफ देयर इज एनी मेगा स्टार इन आवर हु हैज अर्न हिज राइट टू स्पीक व्हेन ही नीड्स टू, इट्स शाहरुख खान। अब हमें शाहरुख खान शायद इतना दिखे ना, बट जेन्युइनली देयर आर डेज यू नो व्हेन आई एम सिटिंग एंड आई एम लाइक कि मैं कहीं जाके ना चिल्ला दूं मैं यार, हां हाँ मैंने किया है, हाँ मैंने ये भी बोला था, हाँ और मैं ये भी बोल रहा हूँ, और हाँ मैं शाहरुख हूँ। I really want to do it, यार। Earlier I used to do, मैं भड़ास निकालता था award functions में। तू kind of challenge कर रहा है, वहाँ से तू sweet दिख रहा था, यहाँ पे आके बदमाशी कर रहा है मेरे साथ। जाके ना जो कहना है कह दो, मजाक करो। फिर इतने लोगों की इमोशन हॉट हो गई तो वो भी नहीं कर सकता सर। कौन सा बॉलीवुड। तो एक ऐसे टाइम है जहाँ शाहरुख खान जरूर जीत रहे हैं, उनके फैंस इंक्लूडिंग मी शायद हार गए, क्योंकि हमें वो ओपन और कैंडिड शाहरुख खान अब कभी शायद वापस ना मिले। अनलेस पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। पर सर एक दिन अचानक आंख खुल जाए और ये पता चले कि ये स्टार्डम, ये सब कुछ, ये हंगामा, ये नाम, ये शोहरत सब एक ख्वाब था, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? मैं जैसे ये आंख खुली मैं ये तकिया उठाऊंगा, आंख बंद करूंगा, ऐसा देखूंगा खुदा सॉरी मैंने आंख खोली, लेट नॉट दिस ड्रीम एंड। एट द एंड ऑफ माय करियर व्हेनेवर दैट हैपेंस देयर शुड बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट रिलेटेड टू
there should be a certain amount of happiness related to my films. I just do hope that people, when they see my films later on, they still do respect me and miss me a little. So hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. I don't know if you noticed, पर हमने नई चीज़ें करने की कोशिश करी. वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर ट्रूली आप अपने आप में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो कोर्स की वेबसाइट देख लेना. अच्छी लगे तो I'll see you there, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं. I'll see you in the next video.